गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप आप सब ठीक होंगे। और आज आते हैं एक नए अपडेट के साथ, तो आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप ही देख लीजिए क्या है वो चीज। एनी गेस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों सब सारी चीजें यहाँ पे बिखरी हुई है, ये बैग क्यों खोला जा रहा है, और जो है बाकी सारी चीजें देखोगे यहाँ पे, पैंट, शूज एंड टी शर्ट, किस चीज की तैयारी हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ ये किस चीज की तैयारी है। देखिए, हाय, तो आप सोच रहे होंगे आज इतना खुश कैसे हूँ। आज कुछ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन अकेला जाने का मैंने बोला था कि मैं अकेला भी जा सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गई थी, वो फ्रेंड की गाड़ी सही हो गई है और हम जा रहे हैं दुबई मॉल। तो देखते हैं, एक्चुअली इससे पहले कभी मैं दुबई मॉल गया नहीं था, तो वही चीज है कि मुझे देखना है। दुबई मॉल का नाम बहुत सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुबई मॉल बहुत अच्छा है, अगर आप यूएई आते हो तो आपको दुबई मॉल सारी चीजें देखनी चाहिए। तो लेट्स सी कैसा है दुबई मॉल, कैसा है पहला एक्सपीरियंस, देखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। हेलो, सो दिस इज माय फ्रेंड विशाल। तो चलिए दोस्तों, आप भी एंजॉय करिए दुबई। मैं थोड़ा सा कैमरे में व्यूज ले लेता हूं ताकि आप आराम से देख। तो यहाँ पे मैंने और विशाल ने बहुत सारे अच्छे डिस्कशन किए दुबई के बारे में, जॉब के बारे में, यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है और आप अच्छे फ्रीडम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत सारी अच्छी चीजें हमने साथ ही डिस्कस की और जो साइड व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए मैं आपको यहाँ के बिल्डिंग्स और रोड ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छा सिटी है दोस्तों, आप यहाँ पे जरूर एक बार आइएगा, आप बहुत एंजॉय करोगे। और स्पेशली जब मैंने मॉल को लेकर बात की और वो सारी चीजों को लेकर बात की विशाल से, तो विशाल ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि यहाँ पे दुबई मॉल सबसे बड़ा एक एशिया का मॉल में से एक है, एंड उसके ही पास कुछ और सारी चीजें हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा, वाटरफॉल, और ये सारी चीजें उसने मुझे बताई थी जो हम अब जाके देखेंगे। वही सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें रही एंड हम एंजॉय करते सारी चीजें देखते हुए और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए बस बढ़ रहे थे। और मैं उससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछ रहा था बाय द वे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फाइनली हम पहुंच गए पार्किंग प्लॉट पे, हम आ गए थे। अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे कि गाड़ी कहाँ पे पार्क करें। कार पार्किंग, राइट? ये दुबई की कार पार्किंग है, आप देख सकते हो कैसी कार पार्किंग है यहाँ पर।
तो हम अभी मॉल में एंटर हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं दुबई का फेमस एक्वेरियम टैंक एक्वेरियम। तो इस एक्वेरियम में क्या है दोस्तों, जनरली यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूज एक एक्वेरियम बना हुआ है जो कि ग्राउंड लेवल पे लोकेट है इस मॉल के। एंड इसमें बहुत सारी मरीन लाइफ आप देख सकते हो, बहुत सारे मरीन लाइफ एंड थिंग्स आप देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा है, जब मैंने इसको देखा था लिटरली मैं खुद शॉक रह गया था यार, इतना बड़ा, सच में बहुत ही बड़ा है। आप इसको तो आके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दिखने को मिलेगी। विशाल और मैं जाने लगे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं विशाल से पूछने लगा, विशाल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखनी चाहिए। विशाल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो हम वो भी चीज़ें कैच करेंगे। My friend Vishal is giving me a company, thanks to him. तो ये दोस्तों देख रहे हो आप सामने, ये है वाटरफॉल जो कि बिल्कुल दुबई मॉल के अंदर ही है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हम कवर कर रहे हैं ये विद इन द मॉल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा चलो यार इसको भी कैच कर लेते, ताकि आप अगर आओगे दुबई मॉल तो आप ये भी देख लोगे। नेक्स्ट है जैसे कि आप देख ही रहे होगे आइस स्केटिंग, ये भी बहुत ह्यूज है, बड़ा है, स्पेशियस है, प्लस आप यहाँ पे टिकट लेकर भी इसको एंजॉय कर सकते हो आपके आइस स्केटिंग स्किल्स। और ये भी विद इन द दुबई मॉल, दुबई मॉल के अंदर ही है, इसको आपको बाहर से अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये चलते चलते दुबई मॉल के अंदर ही आप देख सकते हो। ये है दुबई का आइस स्केटिंग, राइट। जितने भी जगह हम गए थे जिन्हें आइस स्केटिंग पसंद है वो जरूर यहाँ पर आए और बिल्कुल भी ट्राई करे आइस स्केटिंग स्किल्स अपनी और एंजॉय करे, क्योंकि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मॉल है, घूमना चाहिए एक बार यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह। उसके बाद बढ़ रहे थे हम वाटर फाउंटेन की तरफ। वाटर फाउंटेन तो जनरली रात में चलता है, लेकिन मैंने विशाल से कहा चलो विशाल एक नज़र हो ही आते कि क्या है कैसा है। तो विशाल बोला चलिए, उसके सामने ही वाटर फाउंटेन के सामने अपोजिट आप देखो जो तो एक बड़ा सा टावर आपको दिखेगा, वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा बहुत ही ह्यूज टॉल, सच में बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, जो आप मतलब आपको एकदम सर ऊंचा करना पड़ता है ताकि आपको वो लगेगा कि आपने उस बिल्डिंग को देख लिया कि क्या दिखे। कैसे उधर से जाना पड़ेगा?
आफ्टर हैविंग अ टूर हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा चलो मैकडी बर्गर ले लेते हैं, और उसके बाद हमें होटल भी जाना था। अच्छा खासा हम दुबई मॉल घूम चुके थे, तो अब पैर भी दर्द करने लगे थे। अब हम फूड कोर्ट से निकलते हुए अपने पार्किंग स्लॉट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ये हुआ प्रॉब्लम कि हम पार्किंग कहाँ गाड़ी की, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि आ तो गए, तब आते समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हम किस एंट्री गेट से आ रहे हैं, तो अब जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। विशाल सोच रहे थे कि हम कहाँ से आए, तो वो ट्रैक कर रहे थे अपने, मतलब रिमाइंड कर रहे थे कि कहाँ से हमें जाना होगा। मैंने कहा कि चलो आप तब तक रिमाइंड कर लेना, मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा कि हमें जाना कहाँ से, तो आप ही थोड़ा सा सोच लो कि हम कहाँ से आए थे, तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए अभी विशाल सोच रहे हैं, तो अब हम थोड़े टाइम में यहाँ से निकलेंगे ज़रूर। और हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप दोस्त के साथ होते तो आपको बहुत एंजॉय करने में मदद आता है। पार्किंग विशाल यहाँ पे मैप देख रहे हैं, बहुत देर जाने के बाद पार्किंग मिली है, हम जा रहे हैं T1 पार्किंग से गाड़ी की तरफ। पार्किंग की हालत खराब कर दी है, पसीने छूट रहे हैं, अब थोड़ा सा निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। विशाल भाई बहुत परेशान थे, T1 V1 बहुत हमने ढूंढा था, फाइनली मिल गया, चलो मिलते हैं। विशाल के साथ बहुत अच्छा टाइम रहा, अब विशाल हमें छोड़ रहे होटल। सो फाइनली आ गया हूँ रूम पर अपने, एंड अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और मिलते हैं चल कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और प्लीज अब तक आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और यूं ही अपना प्यार देते रहना। बाय।